उदाहरण 24, स्पर्श रेखा MN वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। PQ जीवा इस प्रकार है कि कोण QPN बराबर 52 अंश, तब कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O वृत्त का केंद्र है। हल, बिंदु R वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है, केंद्र O को P और Q से मिलाए, इसी प्रकार R को P तथा Q से। चूंकि किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्ताखंडों में बने कोण के बराबर होता है, इसीलिए कोण QPN बराबर कोण PRQ बराबर 52 अंश। हमने यहाँ पे प्रमेय का प्रयोग किया है, जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ उनके स्पर्श बिंदु पर बना कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे दूसरे प्रमेय का प्रयोग करेंगे कि केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि के शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोण पी ओ क्यू जो कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण है और इसका मान जो है वृत्त के परिधि के शेष भाग में बने कोण से दुगना होता है, तो ये 2 गुणा कोण पी आर क्यू हुआ। यहाँ पे हमने केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के शेष भाग में बने कोण के कोण का दुगना होता है, हमने इसका प्रयोग किया, इस तरह से कोण पी ओ क्यू बराबर 2 गुणित कोण पी आर क्यू का मान जो है 52 अंश है, इस तरह से कोण पी ओ क्यू बराबर 52 अंश को 2 से गुणा करेंगे तो 104 अंश। तो ये हमने कोण ज्ञात किया, कोण जो हमें ज्ञात करना था कोण पी ओ क्यू बराबर 104 अंश, यह इस उदाहरण का हल होगा।